ये धान का पिटाई रही तब ये सुगासानी ससुर लागल गेरल खेत में खरिहान में वे गलत का करे के अथी में तो वे पीछा से पकड़ ले तो हमारे बच्चा सब अथी हो गया तब छोड़ के भाग ल छाती उती धल। अच्छा तो बच्ची आपकी गई। हाँ तो इस मामले की जानकारी आप थाना को दिए थे? हाँ दिए। थाना क्या बोला है? कहो कि बोलू हम जानते गांव वाला से पूछो। अच्छा मामले की जांच करेंगे। हाँ। 35 वर्षीय विधवा महिला के साथ गांव के 50 वर्षीय ससुर ने किया छेड़छाड़। महिला ने थाने में की शिकायत। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल ये शर्मसार करने वाला मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 35 वर्षीय विधवा पीड़िता ने बताया कि दिनांक 15 नवंबर 2022 को संध्या के समय लगभग 6 बजे चौर में धान पीट रही थी। इसी क्रम में गांव के 50 वर्षीय व्यक्ति जो ससुर लगते हैं मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ गलत करने का प्रयास करने लगा। मौके पर पहुंची पीड़िता की पुत्री को देखकर आरोपित फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने इस मामले की शिकायत करते हुए थाना में आवेदन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार साहेबगंज थाना पीड़िता के गांव में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। साहेबगंज मामला क्या है? धान पीटे गिराली तब ये सुगासनी ससुर लागल तो वे छाती धर ले। कहाँ कहाँ आपके पड़ोसी हैं? वो गांव वाला है। तो इस मामले की शिकायत जो है आप थाना में किए हैं? किए हैं। तो धान काटने कहाँ गए थे? चौर में। घर से अलग है थोड़ा सा। घर से अलग है तो वहाँ पर और भी कोई लोग आया? फिर कैसे कैसे क्या हुआ पूरा बताइए विस्तार से। हमारा बच्चा था। बच्चे थे दो ठो? हाँ। अच्छा एक बच्ची और एक बच्चा दोनों? हाँ, थे। हाँ। जी तो इस मामले की शिकायत जो है आप साहेबगंज थाना को किए हैं? हाँ किए। थाना ने क्या कहा? कहा कि गांव वाला पर आएंगे तो पूछेंगे। अच्छा थाना आएगी तो मामले की जाँच करेगी? हाँ जाँच। वो जो महिला है आपकी क्या लगती है? माँ है। आप जब गए वहाँ क्या देखे? मामला क्या दिखाई दिया आपको वहाँ पे? तब मम्मी और धान पीटने गए उठाने गए तो पकड़ लिया छाती। किसका? मम्मी के। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो वहाँ पे था या वहाँ से भागा? फिर कैसे कैसे क्या हुआ पूरा बताइए आपने सच्चाई। भाग लगा मम्मी और आने लगे ना तो भागने लगा आगे आगे गोर पकड़ने लगा। तो ये जो भी चीज़ हुआ ये सब चीज़ आप अपने आँखों से देखे हैं? जी। ये महिला जो है आपकी माँ लगती है? जी।